मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 15 साल के कठोर वनवास के बाद मौका मिला मध्य प्रदेश के सियासत में सरकार बनावे के। मुखिया रहे मध्य प्रदेश के कमलनाथ, और कमलनाथ 15 महीना के महज सत्ता सुख भोगे के बाद फिर से लंबे वनवास के ओर चले जा चुके हैं। किंतु कमलनाथ के मुश्किल कम हो के नाम नहीं ले रही आई। हालात यह है कि रोज नए दिन जो है कुछ न कुछ ऐसा मामला सामने आ रहे हैं जो उन कहों न कहों कांग्रेस और मध्य प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल हड़कंप मचाए रहे थे। ऐसे एक मामला लेके आए हैं जो उन्होंने अपना पंचांग बताया दी कि मध्य प्रदेश में 2016 से 19 के बीच में कांग्रेस के कमलनाथ के द्वारा जो है 106 करोड़ रुपया दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय भेजा गया। यह पूरे मामला में बेहद बड़ी खबर है। विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभाजन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के कि अप्रैल 2019 में मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स रेट के मामला में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किल बढ़ सका थी। दरअसल सोमवार का देश के एक प्रतिष्ठित चैनल के यह बात के खुलासा करी कि इनकम टैक्स विभाग में यह रेट के संबंधित 406 पेज के एक दस्तावेज तैयार की नहीं थी जोने मां मध्य प्रदेश मां 2016 से 2019 तक कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय 106 करोड़ रुपया भेजे जाए के सबूत मिले हैं। इन दस्तावेजन मां कमलनाथ और उनके सहयोगी आरके मिगलानी सहित जो है मध्य प्रदेश के कई अठे आईपीएस अधिकारी इनके नाव है जोने मां यह बात मां पैसा के लेन देन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। एक साथ साथ परिवहन आबकारी सहित मध्य प्रदेश के एक दर्जन से ज्यादा विभागन के द्वारा जो है कमलनाथ का दिन के पैसा के हिसाब इस दस्तावेजन के अंदर है। चैनल के खुलासा के बाद जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा कहा गया है कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार दलालन के सरकार रही और वल्लभ भवन का दलालन के अड्डा जो है बनावा गया है। सीधे निशाने मां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनके द्वारा लीन गया है और साफ तौर पर नरोत्तम मिश्र के द्वारा कमलनाथ की तुलना जो है महमूद गजनवी से करत कीन कहा गया है कि जो में महमूद गजनवी देश का लूट केगा और वह प्रकार कमलनाथ मध्य प्रदेश के गरीबन के पैसा जो है राहुल गांधी के विदेश यात्रा और गांधी परिवार के वेलफेयर खीती ले लेंगे। देखी और सुने पूरा बयान। मैंने शुरू से कहता था कि यह सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार है, आप लोग मानते नहीं थे। हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया कमलनाथ जी ने, आप मानते ही नहीं थे। अब तो खुलासा आप ही लोगों ने किया है, अब तो मान जाओ। अब आपको भी लगता होगा कि खजाना खाली है का राग क्यों अलपता थे कमलनाथ जी। महिला बाल विकास का कुपोषण का पैसा राहुल बाबा के कुपोषण के दूर करने पे लगा रहे थे, सोशल वेलफेयर का पैसा गांधी वेलफेयर में जा रहा था राहुल बाबा के, विदेश यात्राओं पे उनकी पे खर्च कर रहे थे। सिंधिया जी ने इसीलिए अपने आप को अलग कर लिया था उस दौड़ से क्योंकि भातो जी बोली लग रही थी कि कौन उगाही ज्यादा करके देगा। गरीबों के खून पसीने की गाड़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश में, और लूट लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है। नरोत्तम के द्वारा यह कहा गया है कि आईटी विभाग से संपर्क करके विधि विशेषज्ञ के राय ले की यह मामले का राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान कार्य का सौंपा जी। सरकार यह मामले में कड़ी कार्रवाई के मन बना चुकी है। अब आवे वाले समय में कमलनाथ के मुश्किल कम न हुई बल्कि वो बढ़े के कहन कहन तैयारी बनाए चुकी है। हालात कांग्रेस यह है कि एक डूबता जहाज हो गया है और यह डूबता जहाज कहन कहन कई छेद लेके घूम रहा है जौने से कहां कहां से पानी रिस रहा है शायद कांग्रेस खुद नहीं जान रही है। तो देखी और सुनी पूरा बयान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश गृह मंत्री के। धन्यवाद, प्रणाम। मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूट कर कमलनाथ जी ने जघन्य पाप किया है, घृणित काम किया है इस देश प्रदेश की जनता का। कल से खामोश क्यों है?
जवाब दें कि ये वर्गीस कौन है, क्यों नहीं जवाब दे रहा कोई कांग्रेस का व्यक्ति? मिगलानी जी आ जाए वो ही बता दें। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कमलनाथ जी भ्रष्ट हैं। 100% मध्य प्रदेश की सरकार भी संज्ञान लेगी, हम विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे, हम इनकम टैक्स आईटी विभाग से भी बात करेंगे और रिकॉर्ड की मांग करके इन पर कार्रवाई करने के बारे में, ईओडब्ल्यू से कार्रवाई कराने के बारे में विचार करेंगे।